मैं शिखा श्रीवास्तव, मेरे चैनल टिप्स थिएटर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूँ, तो चलिए देखते हैं उस वीडियो को। दोस्तों, आज मैं आपको घी बनाने का बहुत ही अलग तरीका बता रही हूँ। आप देख रहे हैं कितना बढ़िया सुनहरा हमारा देसी घी बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी बिल्कुल इसी तरह से घर पर बहुत आसानी से मलाई को फेंट कर घी बना सकते हैं। और बहुत आसान तरीका बताऊंगी, बहुत से बर्तन गंदे करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने ली है मलाई। तो जितने भी दिन की मलाई आपके यहाँ स्टोर है दोस्तों, बस मलाई आपको लेना है, किसी भी बड़े बर्तन में मलाई को फेंटना है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर कढ़ाई का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि मैं इसी बर्तन में मलाई को फेंट लूँगी और मक्खन निकाल लूँगी, और फिर इसी मक्खन से मैं आपको घी बनाना भी बताऊंगी। अगर आप चाहें तो मिक्सी के जार में भी मलाई को फेंट सकते हैं, बहुत अच्छे से मलाई फिट जाती है और मक्खन निकल जाता है। परंतु मैं हमेशा इसी तरह से मलाई को बस कढ़ाई में रख कर एक चम्मच की सहायता से फेंटती हूँ। एक बार मेरे कहने से इस ट्रिक को ज़रूर करें दोस्तों। 3 मिनट तक आप बस इसे चम्मच से इस तरह से गोल गोल घुमाएं जैसे मैं फेंट रही हूँ। बस एक बात का ध्यान रखें कि मलाई हमारी ठंडी होना चाहिए। यदि मलाई आपने बहुत देर से किचन प्लेटफॉर्म पर रख दी है, रूम टेम्परेचर पर रखी है और गर्म हो गई है, तो आपको इसे मक्खन बनाने में परेशानी हो सकती है। परंतु यदि मलाई ठंडी ठंडी होगी तो यकीन मानिए दोस्तों, 5 मिनट में आप मलाई से मक्खन बना सकते हैं सिर्फ एक चम्मच की सहायता से। तो 3 मिनट मैंने मलाई को ऐसे ही फेंटा है, उसके बाद मैंने फ्रीज का ठंडा पानी डाल दिया है। यदि दोस्तों बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम है तो आप हल्का सा गुनगुना पानी ले, गर्म पानी नहीं लेना है, गुनगुना पानी। और फिर समर सीज़न है दोस्तों, तब तो आपको फ्रीज का पानी लेना है। तो आप देख रहे हैं पानी डाला है मैंने, करीब करीब आधा ग्लास के करीब मैंने इसमें पानी डाल दिया है, और फिर से मैं मलाई को फेंट रही हूँ। और वापस मैंने फिर से थोड़ा सा पानी डाला है, 2 बार मैंने इसमें ठंडा पानी डाला है। टोटल मिलाकर मैंने 1 ग्लास पानी का इस्तेमाल किया है। और पानी डालने के बाद आपको फिर से 2 से 3 मिनट तक फेंटना है। आप एक बार इस उपाय को जरूर करें दोस्तों, इतनी जल्दी मक्खन बनता है। आप खुद ही देख रहे होंगे अब मलाई का टेक्सचर बदलने लगा है, हल्का हल्का सा आपको मक्खन दिखाई देने लगा है। देखिए, ये देखिए, मक्खन में से दूध बिल्कुल सेपरेट हो गया है और मक्खन मक्खन बिल्कुल अलग आ गया है। बस अब आप मक्खन को एक किनारे लगा लें और मक्खन का गोला बना लें। और ये जो दूध है दोस्तों, अगर हम मलाई को बिना दही डाले स्टोर करते हैं तो हमें मिलता है ये दूध, और अगर आप मलाई को दही डालकर स्टोर करते हैं तो आपको मिलता है छाछ, जिसे कि हम बटर मिल्क भी बोलते हैं। तो ये देखिए, मक्खन का गोला मैंने बिल्कुल अलग कर लिया है, और एक बड़े छन्नी की सहायता से आप इस दूध को अलग कर लें। और चाहें तो इस दूध से आप पनीर बना सकते हैं। मैंने बहुत पहले पनीर बनाने का वीडियो भी शेयर किया है, क्योंकि ये ऐसा दूध है दोस्तों जिसे कि हम यदि पीने में इस्तेमाल करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इतने दिन से हम मलाई स्टोर कर रहे थे। तो आप चाहें तो इस दूध को फाड़ कर इसका पनीर बना सकते हैं। वैसे भी मलाई के साथ निकला हुआ दूध है तो बहुत ही गाढ़ा रहता है। और यदि मक्खन को आप रखना चाहते हैं दोस्तों, तो आप इसे रख सकते हैं। तो दूध से बनाए पनीर, मक्खन से आप कोई भी रेसिपी बनाए, किसी भी रेसिपी में आप इसका इस्तेमाल करें। और यदि मक्खन को रखना चाहते हैं दोस्तों, तो 2 बार आप इसे साफ पानी से धो लें, ताकि इसमें जो भी थोड़ा बहुत भी दूध लगा है वो निकल जाए। ये देखें, तो मक्खन के गोले को मैंने बढ़िया अच्छा पानी से धो लिया है, ताकि मलाई की कोई भी मतलब तीखी सी गंध ना आने पाए। तो कितना सारा मक्खन का गोला निकल गया है। तो दोस्तों, अब तो हमें बनाना इस मक्खन से घी। आप चाहें तो मक्खन को फ्रीज में स्टोर कर सकते हैं, 1 सप्ताह तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद जब मर्जी है आप इसे इस तरह से पिघलाकर इसका घी बना सकते हैं। तो आज हम बना रहे हैं घी दोस्तों। तो वापस मैंने कढ़ाई को गैस के ऊपर रख दिया है, और आप देख सकते हैं मक्खन पिघल गया है बढ़िया। गैस की फ्लेम अब मैंने स्लो कर दी है। जब भी घी बनाएं हमेशा थोड़े से भारी तले वाली कढ़ाई का इस्तेमाल करें। इससे क्या होता है दोस्तों, घी जल्दी बनता है। दोस्तों, घी जल्दी बनने के लिए एक ट्रिक बता रही हूँ आपको। यहाँ पर मैंने लिया है सेंधा नमक। 1 चुटकी यदि आप नमक डालेंगे जैसे ही मक्खन पिघले, 1 चुटकी आप उसमें नमक डाल दें, आप देखेंगे दोस्तों तुरंत ही मक्खन से घी निकल जाता है। ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है दोस्तों। और बहुत से लोग, मैं तो हमेशा सादा नमक ही डालती हूँ, परंतु बहुत से लोगों को ऐसा है कि सादा नमक डालेंगे तो हम इस व्रत को घी में इस्तेमाल सॉरी व्रत में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो यदि आप व्रत में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसमें आप सेंधा नमक डालें।
और बस इस तरह से इसे बीच बीच में चलाते जाएं। मुश्किल से 5 मिनट लगेगा मक्खन से घी बनने में, और घर के बने हुए तो घी की बात ही अलग है दोस्तों, खुशबू भी बहुत अच्छी और बहुत ही बढ़िया दानेदार घी बनता है। तो आप देख सकते हैं बस घी निकल ही गया है, जैसे ही मैंने एक चुटकी नमक डाला है दोस्तों तुरंत ही मक्खन में से घी अलग हो गया है। आप चाहते हैं कि आपके यहाँ भी बिल्कुल दानेदार घी बने तो उसकी भी एक ट्रिक है दोस्तों। इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ही घी अलग हो जाए, जैसे कि अभी आप ये देख रहे हैं कि घी आपको ऊपर ऊपर दिखाई दे रहा है, आपको क्या करना है दोस्तों, अब यहाँ पर डालना है 1 चम्मच आप पानी ले लें, हाथों में ले लें, जैसे हम किसी चीज़ में पानी का छींटा देते हैं ना दोस्तों, छींटते हैं, स्प्रिंकल करते हैं, बस ये देखिए मैंने भी यहाँ से 1 से 1.5 चम्मच पानी लिया है अपने हाथों में और पानी का छींटा डाल रही हूँ। इससे क्या होता है दोस्तों, घी में बहुत अच्छे दाने पड़ते हैं। आपने देखा होगा बाज़ार से जब हम घी लाते हैं तो बहुत ही दानेदार रहता है, बिल्कुल ही रवेदार घी रहता है। तो ऐसे इस तरीके को अपनाएंगे तो आप भी बिल्कुल दानेदार घी बना सकते हैं। तो ये घी बन चुका है दोस्तों, बस अब हम गैस को बंद कर देंगे और घी को ठंडा होने रख देंगे। तो घी ठंडा हो गया है, जब भी घी को छाने बारीक तार वाली छन्नी का इस्तेमाल करें कि जब घी को हम छान रहे हैं तो उसके साथ का जो लेफ्ट ओवर है वो घी में मिक्स होने ना पाए, इससे घी हमारा लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा और जो हमने इसमें 1 चुटकी नमक डाला है वो इस घी को ख़राब होने नहीं देगा। नमक अपने आप में एक प्रिजर्वेटिव है और इस घी को कम से कम आप 6 महीने भी रखेंगे तो घी खराब नहीं होगा। तो बढ़िया छान लिया है, जब भी घी को रखें दोस्तों या कांच के बर्तन का इस्तेमाल करें या फिर आप स्टील के डब्बे में रखें, प्लास्टिक के डब्बे का इस्तेमाल कभी ना करें। तो बिल्कुल सुनहरा घी है, अभी थोड़ा सा ये गर्म है दोस्तों, हल्का ठंडा हो जाए फिर मैं इसे फ्रीज में रखूँगी। आप भी इस तरह से थोड़ी देर फ्रीज में रखें, फिर आप इसके दाने देख सकते हैं, बिल्कुल शुद्ध दानेदार घी बनकर तैयार है और इसका लेफ्ट ओवर है, किसी भी रेसिपी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल टिप्स थिएटर को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा।